जिंदगी रास नहीं आती और मौत मेरे पास नहीं आती, बताओ दोस्तों मैं क्या करूं। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे मेरे बाप रे बाप। हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो भाई दोस्तों, हाल चाल तो बढ़िया ही रहना चाहिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। तो भाई वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है हेमा की कहानी। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए मेरे घर की छत से। जी हाँ, आज का मौसम जो है बहुत ही अच्छा मौसम है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। और जो है मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज किया जाए और जो है घर की छत से वीडियो बनाई जाए। तो मैं यहाँ पर एक दो मैंने वीडियो बनाई हैं, जो शॉर्ट्स पे डाली हैं। लोगों का रिप्लाई आया है कि हेमा जी बी केयरफुल, कि भाई आप गिर ना जाएं। ऐसा नहीं है भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी केयर करते हैं इसलिए आप लोग लिखते हैं, बट थोड़ा सा केयरफुल मैं भी रहती हूँ। और जो है अब मेरी चोट धीरे धीरे ठीक होती जा रही है और मुझे अच्छा लगता जा रहा है कि बस जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि कहीं पर भी जाती हूँ तो सबसे पहले लोगों का यही जो है सवाल होता है कि हेमा जी ये क्या, बिकॉज लोगों को लगता है कि या तो कुछ लगा है, मक्खी बैठी है या पता नहीं क्या है चीज़। तो दोस्तों कल मैं एक मोदी मंदिर गई थी। मोदीनगर में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, जो मोदीनगर के लोग हैं भाई वो तो जानते ही होंगे। तो मैं मोदी मंदिर गई थी, वहाँ पर मुझे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था। नारी शक्ति एक जो है संस्था है, एनजीओ है, वो चलाते हैं। तो मैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है। वहाँ पर मुझे काफ़ी जो है सम्मान दिया कल बुलाकर। और जो है मैंने बच्चों से, ये बच्चे जो है इनके साथ मैंने जो है बातचीत की और वहाँ पे मैंने कुछ दो चार बातें भी कही। तो वो क्या कही वो तो आप अब ये जो क्लिप है इसमें आप देखिए और मुझे बताइए आप लोगों को सुनने के बाद कैसा लगा। आप एक तो शर्माते बड़ा कमाल का, ठीक है। और फोन देरी नहीं करते, मीन्स थैंक यू बोलने में देरी नहीं करते। सो यू आर वेरी हम्बल पर्सनैलिटी ऑल्सो, विच आई फाउंड, जो मुझे महसूस हुआ। जी मेरी जो नजर है ना, जी शोभा जी सबसे, और आप ये जो इतना अच्छा कदम आप चला रहे हैं, नारी शक्ति, मतलब एक पता नहीं सबने सुना होगा, साड़ी में नारी है, नारी में साड़ी है, और जो नारी साड़ी में है वो दुनिया पे भारी है। तो जो लेडी साड़ी पहनना सीखती है या पहनती है, उन लोगों ने इतिहास रचा है, चाहे बात इंदिरा गांधी जी से शुरू करें और न जाने लंबी लिस्ट है। तो भाई एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे पर्सनली मिल गया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रीति जी ऑल्सो, उन्होंने जो भी बोला है वो कमाल के शब्द उन्होंने कहे हैं, जिस सिंपलिसिटी के साथ उन्होंने बच्चों को समझाया है। और न जाने आज कितने टाइम बाद मैंने इतने सारे बच्चे या ये कहूँ कि लोग एक साथ देखे हैं, और बच्चों से मुझे एक अपना अलग ही लगाव है। मैं वैसे तो मुरादनगर की हूँ, यही कभी कभी आ जाया करती थी मोदी मंदिर में, लेकिन आज न जाने कितने सालों बाद आपने मुझे यहाँ बुलाया है। आज आपको पता है कितना खास दिन है, एकादशी है, निर्जला एकादशी है। तो मंदिर में जिस दिन आपके पैर पड़ते हैं वो भी बहुत मैटर करता है, और किस दिन आप किस नए व्यक्ति से मिलते हैं वो भी बहुत मैटर करता है। मैं थोड़ी सी धार्मिक किस्म की भी हूँ राकेश जी, मैं आपको बताऊँ समय क्या होता है, दिन क्या है, किस जगह आप मिले हैं, ये सारी चीजें जो है इंसान का संबंध उसी तरीके से कायम करती है। इस मोदी मंदिर में गई थी जहाँ पर मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया था। वहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ, एक 2013 की बात है, मैं उस मोदी मंदिर में जाके रात को 10:30 बजे के आसपास, मैं उन दिनों मोदी ने मुराद ने मेरठ में जॉब कर रही थी, और जो है उसी मोदी मंदिर में जाके मैं जो है रोई भी थी। मुझे समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूँ। तो कल मुझे वो अचानक से वो दिन याद आ गया, मैंने वहाँ बोला कि न जाने कितने सालों बाद मैं आज इस मोदी मंदिर आई हूँ। तो कैसा मुझे लगा होगा दोस्तों कि इस मंदिर में आके एक दिन मैं बहुत परेशान अकेली रोई भी थी, और मैंने किसी को बताया भी नहीं था और बस झूठ बोला था कि मैं लेट हो गई थी। तो वो भी एक पल था, और दोस्तों कल जो था वो भी एक पल था। तो
बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ जब चल रहा होता है पल तो हमें बड़ा हम परेशान हो जाते हैं, हमको लगता है बस यही जिंदगी और अब जो है जिंदगी हम खत्म कर ले, हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, बस दो दिन बाद तीन दिन बाद दोस्तों पल वो जो है बदल जाता है। तो यही कहना चाहती हूँ कि आज जो पल जैसा चल रहा है उसको आप जिंदगी ना सोचें, क्योंकि कभी भी जिंदगी बदल जाती है। अगली जो सुबह जब आती है तो नई एक जिंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आती है, एक नया मोड़ लेकर आती है। तो ये मैं सीख रही हूँ कि हेमा जो आज अगर ऐसा चल रहा है तो ये भी कल नहीं रहेगा, तो इसलिए आज के वक्त मुझे जो है हिम्मत अपनी बनाए रखनी है किसी तरीके से, बस ये पल निकालना है, हिम्मत बनाए रखनी है कि नहीं ये पल जो है ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरीली है, टेम्परेरी है तो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो पेशेंस है ना, बस यही बनाए रखना है आपको मुझे, और उसके बाद सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, उसके बाद हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, रिश्ते अच्छे होंगे, जो नहीं है वो आएगा। तो ये मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा और इसलिए आप लोगों को भी सिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि भाई जो है मुश्किल वक्त से बिल्कुल ना घबराना, ये बस कुछ महीनों की बात है, कुछ दिनों की बात है, साल की बात है, उसके बाद सब जो है बढ़िया होगा। तो दोस्तों आज जो है घर में माहौल बहुत उदास भरा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअली इसको कितनी चोट लगी थी। देखो दोस्तों उस दिन तो पट्टी थी, आज जो है असल में आपको पता चलेगा कि बच्चे को कितनी चोट लगी है, और मैं बता नहीं सकती। सुबह से जो है आज ये बहुत उदास भी है, डॉक्टर के पास गई थी तो इसको चक्कर भी आ गए थे, क्योंकि इसने भी जो है उस दिन से आज ही अपनी चोट देखी है, तो इसको भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे इतनी चोट कैसे लग गई। और बस मैं इसको यही समझा रही हूँ कि गुनगुन इसको एक्सेप्ट कर ले, ये लग गई है चोट, इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। मुझे पता है दोस्तों मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि आप लोगों को भी देख के ना मन में ये आएगा कि हाय कितनी चोट लग गई, लेकिन दोस्तों अब ये लग गई है और इसको हम सब समझा रहे हैं कि गुगो बाबू इसमें टाइम लगेगा अभी, है ना, दर्द हो रहा है बहुत, पता है दर्द हो रहा है, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मन में यही हो रहा है ना कि क्यों लग गई मुझे चोट, नहीं लगनी थी, अब ज्यादा महसूस हो रहा है ना। मम्मी कितनी परेशान है, देखो दोस्तों मेरी बहन बहुत परेशान है, बहन मुझे पता है तेरे दिल पे क्या बीत रही है कि अरे मैं बच्ची का दुख कैसे लूं। कोई भी माँ दुख में है जो है दुखी हो सकती, लेकिन उसका दुख नहीं ले सकती। इसको नीचे छोड़, ये भी लगी है बहन, बहन परेशान ना हो, मुझे पता है बेटी के दुख में, मुझे पता है इसको बहुत प्यार करती है, तेरी जान है ये, तुम दोनों एक दूसरे की जान है, माँ बेटी दोनों जान हो, लेकिन क्या करे रजनी बताओ, है ना, कोई भी कुछ नहीं कर सकता ना, बस डॉक्टर के पास दिखाई सकते हैं। ये बेहोश हो गई थी डॉक्टर के पास, इसको वॉमिटिंग भी हो गई वहाँ पे, उसके बाद ज्यादा परेशान हो गई। बहन थोड़ा हिम्मत दो, तुम तो डॉक्टर हो खुद, है ना। अरे मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बहन रो रही है, पहले बेटी रो रही थी अब मम्मी रो रही है। देखो दोस्तों यही बॉन्डिंग होती है कि एक माँ अपनी बच्ची का दुख जो है देख नहीं पा रही है, क्या करे, हेल्पलेस है ना। अगर ये दर्द ले सकती तो जरूर इसका दर्द ले लेती है, सारा दर्द ले लेती है दोस्तों। बहन आई लव यू, बस आज वो एक लाइन बोल दे, क्या लाइन बोलती है मेरी बहन, एक लाइन बोलती है दोस्तों, सुनो आज आप क्या लाइन है वो, जिंदगी रास नहीं, जिंदगी रास नहीं आती और मौत मेरे पास नहीं आती, बताओ दोस्तों मैं क्या करूं। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे मेरे बाप रे बाप। मेरी बहन बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई है, पर ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत स्ट्रांग लेडी है, शी इज अ रियल फाइटर, ये फाइट करने वालों में से है, ये रोती तो है बट साथ ही साथ फिर से खड़ी हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं। तो आज ये थोड़ी सी ज्यादा ही दुखी है इसकी वजह से ही, क्योंकि दोनों की बॉन्डिंग जो है माँ बेटी जैसी नहीं है, दोस्त जैसी है, और घर का माहौल जो है आज थोड़ा सा बहुत ही उदास वाला है, सब टेंशन में है कि भाई क्या करें। आप प्लीज मेरे बच्चे के लिए जो है, मैंने उस दिन भी बोला था मेरे बच्चे के लिए बस प्रार्थना करना, क्योंकि मुझे पता है जब इसकी माँ ही नहीं दर्द इसका ले पा रही है तो आप और मैं कैसे ले सकते हैं। फिर भी बस प्रार्थना करना कि जो है हमारी बच्ची जल्दी से अच्छी हो जाए, और मेरी बहन को भी आप जो है हिम्मत दीजिए। मैं आज अपनी बहन के बारे में बोलना चाहती हूँ, ये बहुत स्ट्रांग लेडी है, सिचुएशन को कैसे मैनेज करना चाहिए ये बहुत अच्छे से जानती है, मैं नहीं जानती हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बट ये जानती है, शी नोज वेरी वेल। तो
लिपस्टिक बराबर रहती है। मेरी बहन को लिपस्टिक लगाना बहुत पसंद है, और कोई बात नहीं, अपनी अपनी सबकी पसंद होती है। अब मेरी बहन को आप बहुत सारा प्यार दें, इसको समझाएं आप, और ये माँ है और इसकी बेटी ऐसे परेशान है तो भाई क्या कहने की जरूरत ही नहीं है ना, क्या सिचुएशन होगी घर में। बाहर भी सब जो है परेशान हैं, जितने भाई हैं इसके, इसके पापा हैं, क्या बताएं दोस्तों। इसकी मम्मी इसके लिए खिचड़ी बना रही है दोस्तों, ना जाने माँ तो क्या कर दे, खिचड़ी तो छोड़ो खिचड़ा बना दे पर बच्ची ठीक हो जाए, है ना बहन। मन तो ऐसे ही कर रहा है, क्या कर रहा है। अब माँ सोच रही है, अब ये भी सोच रही है, अब काम पे जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, तो अब मन को समझा रही है, अब देखते हैं 1.5 घंटे बाद क्या होता है क्या नहीं। अपना मन दुखी, इसका मन दुखी है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी बात कही है कि भाई हर सिचुएशन का जो है सॉल्यूशन है, समाधान है, चाहे वो आपकी हो, चाहे वो हमारी हो, चाहे वो किसी भी इंसान की क्यों ना हो, है ना। टाइम लगता है सॉल्यूशन मिलने पर, उसको सॉल्व करने में, लेकिन है तो। इसलिए आप परेशान ना होए सिचुएशन में, बिल्कुल ना घबराए, पेशेंस रखें, क्योंकि ये सिचुएशन आज जैसी है कल वैसी नहीं रहेगी, ये भी कड़वा सच है। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपना प्यार देते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, नहीं बाकी आई लव यू, और बाकी जो आपका मन करता है वो करते रहे दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, खुश रहें, अपनों के साथ रहें, अपनों का ख्याल रखें, और साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। तो लव यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।